बात करते हैं हम कंगना रनौत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस फिल्म में भाषण दिया जिसकी चर्चा हो रही है, और इसको लेकर खुद कंगना रनौत ने ट्वीट भी किया। और अभी अगर बात करें तो हाल फिलहाल में कंगना रनौत की फिल्म तेजस का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जो कि जिसमें कंगना रनौत का जो लुक है वो फाइटर पायलट बनी हुई है, वो लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अगर ट्रेलर की बात करें तो इसमें उनके प्रोफेशनल प्लस पर्सनल लाइफ को भी दिखाया गया है। और ये जो फिल्म है, जो फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, वो लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया में इससे जो जुड़े हुए मज़ेदार क्लिप्स हैं वो भी लोग वायरल कर रहे हैं और इसको कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर रहे हैं। एक डायलॉग है जिस जो कंगना रनौत, अगर हम टीज़र की बात करें, ट्रेलर की बात करें, तो वो शुरुआत में वो बोलती हैं और जिससे कनेक्ट किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, वो डायलॉग क्या है पहले वो आपको हम सुनवाते हैं। भारत किसी को छेड़ता नहीं, अगर कोई भारत को छेड़े तो भारत उसे छोड़ता भी नहीं। भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। भारत किसी को छेड़ता नहीं, अगर कोई भारत को छेड़े तो भारत उसे छोड़ता भी नहीं। भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी कंगना की फिल्म में न होकर भी पूरी तरह से इन्वॉल्व है। और इसको लेकर ट्विटर पर ये जो शेयर किया गया क्लिप है, इसको एक यूज़र ने शेयर किया और कहा कि इस डायलॉग का क्रेडिट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए, जिस पर कंगना रनौत ने भी रीशेयर किया और क्रेडिट देने की जो सहमति है वो जताई है। कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म जो तेजस है 27 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है। 8 अक्टूबर को इसका ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद मूवी सोशल मीडिया पर अगर बात करें तो सुर्खियों में है। और फिल्म में जो कंगना रनौत का डायलॉग है, भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, उनके इस डायलॉग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से कनेक्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये भाषण प्रधानमंत्री मोदी, ये जो डायलॉग है वो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से लिया गया है। अब आप डिसाइड करिए कि ये प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से लिया गया है या फिर क्या है। और हालांकि ये जो क्लिप है वो काफ़ी वायरल हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की, और यूजर्स ने तेजस के डायरेक्टर को टैग करते हुए जो उसने ट्वीट किया वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि सर्वेश मेवाड़ा, मोदी जी को तेजस के डायलॉग राइटर के रूप में क्रेडिट देना मत भूलिएगा। इसको रीट्वीट करते हुए कंगना ने भी मजाक में लिखा कि हाँ हाँ, क्रेडिट तो जरूर बनता है। तेजस फिल्म में कंगना रनौत एयरफोर्स फाइटर की फाइटर बनी हुई हैं। मूवी में कंगना का नाम तेजस गिल है और फिल्म इंडियन एयरफोर्स के चैलेंज लोगों के सामने लाए जाएंगे और दिखाया जाएगा कि कैसे देश की रक्षा के लिए वो बिना थके बिना डटे लगे रहते हैं। और जिस तरह से अभी तक तेजस के ट्रेलर पे रिस्पॉन्स आ रहा है, और हाल फिलहाल की बात करें तो अभी कंगना रनौत की चंद्रमुखी 2 भी अच्छी कलेक्शन कर रही है। उम्मीद यही जता सकते हैं कि ये जो फिल्म 27 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है कंगना रनौत की तेजस, वो भी शानदार प्रदर्शन करे और थिएटर्स में दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे। देखते हैं कि जब ये फिल्म आती है तेजस तो लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहता है, क्या ये लोगों को पसंद आएगी। कि जिस तरह से अगर ट्रेलर की बात करें तो दमदार एक्शन मूड में नज़र आ रही है और फाइटर पायलट बनी हुई कंगना रनौत, और जिस तरह से उसमें डायलॉग दिया गया है कि ये बहुत पर्सनल मामला है उनका और हर लोगों को देश के मामले में पर्सनल होना चाहिए, तो इस तरह के जो डायलॉग्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके गूज़बम्प खड़े करते हुए नज़र आएंगे। और ओवरऑल अगर ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर अच्छा है। आप देखते हैं आने वाले दिनों में जब ये रिलीज़ होती है तो दर्शकों का कितना प्यार मिलता है, कितनी कमाई करती है, क्या ये भी चंद्रमुखी की तरह सक्सेस रहेगी कंगना रनौत की फिल्म।